राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब। अब कन्नू के स्नान का समय हो गया है, तो मैं, ये महादेव हैं और ये मेरे कन्नू और ये मेरे लड्डू, ये सबसे पहले आए थे, ठीक है। अब इनका नहाने का टाइम हो गया है, तो अब मैं इनके कपड़ों पर प्रेस कर देती हूँ। मैं इनको बिगड़ प्रेस के एक भी कपड़ा नहीं पहनाती, मैंने सारे वॉश करके रख दिए थे, बस उन सब पे प्रेस करनी थी। मैंने इनके सारे कपड़े वॉश करके रख दिए थे, अब वॉश करने के बाद मैं इनके सारे कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो। अब मैंने इनके सारे कपड़े प्रेस कर दिए हैं। अब मैं लेती हूँ गोपी चंदन, इसको मैं, इनको मैं इन्हीं से ही स्नान करवाती हूँ, साथ में गंगा जल लूँगी। गंगा जल थोड़ा सा लेके इनके पानी में डालकर इनको स्नान करवाऊँगी। अब कन्नू के स्नान कराने के बाद, कन्नू का स्नान, ये देखो कितने खुश हो रहे हैं, ये देखो, है ना। अब ये मेरे लड्डू, ये दोनों, सबसे पहले मैं इन्हीं को स्नान करवाती हूँ। इनको स्नान कराने के बाद इनको मैं स्नान कराने के बाद इनको, अब मैं इन दोनों को मैंने बिठा दिया है। अब मैं माधव की बारी, माधव को नहाऊंगी। अब मैंने ये गोपी चंदन, ये थोड़ा सा पानी लेकर के उसको उसमें मिला देना है। इस गोपी चंदन में एक तो इतनी अच्छी खुशबू है, इसलिए मैं इनको इसी से ही नहाती हूँ, और ऊपर से ये चमक भी जाते हैं, इसलिए मैं इसी चंदन से ही इनको नहाती हूँ। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। अब माधव नहा रहे हैं, इनको स्नान करवा करके अच्छे से मैं इनको, इनके शरीर पे गोपी चंदन लगा देती हूँ ताकि ये अच्छे से साफ हो जाए। ये करने के बाद मैं इनके जल डालती हूँ। जल से देखो अब कितने साफ लग रहे हैं ना, इसलिए मैं इनको इसी चंदन से नहलाती हूँ, क्योंकि मौसम की वजह से इनका थोड़ा रंग हो ही जाता है ऐसा, इसलिए इनको थोड़ा शाइन के लिए मैं गोपी चंदन से स्नान करवाती हूँ। स्नान कराने के बाद मैंने इनको टॉवल से इनका पूरा शरीर अच्छे से पोंछ लिया है ताकि कहीं से कोई भी गीला ना रहे, क्योंकि अब वैसे भी सर्दियों का टाइम है, धीरे धीरे सर्दी आ ही रही है। अब मैं इनको, इनके वस्त्र इनको धारण करवाती हूँ कन्नू को। यही आज मेरा मन कर रहा था कि मैं इनको यही वाली ड्रेस बनाऊँ, इसलिए मैंने इसी ड्रेस को रेडी किया इनके लिए। अब इनको अच्छे से रेडी कर देते हैं। अब रेडी करने के बाद ये है इनका पटका, इनको पटका धारण करवा देते हैं। कैसे लग रहे हैं? अब मैंने इनको देखो कान में इनके इयररिंग पहना दिए हैं। इयररिंग पहनाने के बाद अब ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसके बाद इनको तुलसी माला धारण करवाती हूँ। अब माधव रेडी हो चुके हैं। अब बताओ आप सबको कैसे लग रहे हैं माधव। अब इनको रेडी कर करके इनकी पूजा करते हैं। इनके सबसे पहले मैं खुद नहाकर, फिर इनका स्नान कराकर, फिर इनकी आरती करती हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है, सबसे पहले इन्हीं को ही रेडी करती हूँ। रेडी, अब देखो इनकी आरती कर देते हैं, आरती कर देती हूँ अब इनकी। अब अगर आप सबको ये मेरा मिनी ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।